रसायन विज्ञान श्रेणी की यह तीसरी वीडियो है। इससे पिछली दोनों वीडियो में हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा कि संपूर्ण द्रव्य या संपूर्ण ब्रह्मांड किससे बना होता है, द्रव्य से बना होता। उसी की सीरीज में देखो आगे बढ़ते हैं। इसी में एक चीज और पूछता है आपसे कि द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। तो इसकी प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो कणिक प्रकृति कह सकते हैं या फिर परमाणवीय, कणिक प्रकृति या फिर परमाणवीय। देखो यहां से क्वेश्चन तो नहीं बना आज तक, लेकिन ये बिल्कुल बेस है। इसके बिना आगे की चीजें बहुत आसान नहीं होती हैं समझनी। तो कुछ चीजें हैं जो समझनी आवश्यक होती हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से शायद कम महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसी चीज को देखते हैं। इससे पहले देखो एक दो बात आपको समझनी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड तो द्रव्य से बना है, लेकिन फिर द्रव्य किस चीज से बना है? या आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में भौतिक वस्तुएं हैं सारी, कि जितनी भी भौतिक वस्तु हैं, भौतिक वस्तु वो सब किससे बनी होती हैं? द्रव्य से। तो जब ये वाली बात हम जानते हैं, इसके बाद कुछ सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, जैसे कि सारी भौतिक वस्तुएं तो द्रव्य से बनी है, लेकिन द्रव्य किससे बना है? फिर द्रव्य किससे बना है, पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में। इसके बाद फिर इसकी रचना कैसी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि ये सतत है, कंटिन्यूअस है या फिर असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो देखो जैसा हम वर्तमान में जानते हैं, वर्तमान में तो द्रव्य के बारे में लगभग लगभग बहुत सारी जानकारियां हमारे पास हैं। क्या प्राचीनतम समय से ही ये जानकारियां हमारे पास थी? तो नहीं। तो प्रारंभ में देखो हम जाते हैं तो अगर हम पहले जाते हैं प्राचीनतम काल में, तो प्राचीनतम काल में हमें इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं थी कि द्रव्य की रचना कैसी होती है, ये किससे बना होता है, ये सतत होता है या फिर असतत होता है। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेकों लोगों ने या अनेकों दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने काफी प्रयास किए, काफी प्रयोग किए, लेकिन सबसे पहली सफलता मिली ऋषि कणाद को। किसे मिली? ऋषि कणाद को। और ये बात पूछी भी जाती है कि सबसे पहले द्रव्य की प्रकृति के बारे में किसने बताया, तो कणाद ऋषि ने। कणाद ऋषि ने हमें पहली सदी से लगभग 500 वर्ष पूर्व ये जानकारी हमें दी थी। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये कहा कि जितना भी द्रव्य होता है वो सब अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो अति सूक्ष्म कण हैं, ये कैसे होते हैं? असतत। कैसे होते हैं? असतत। असतत का मतलब होता है अविभाज्य। का मतलब क्या होता है? अविभाज्य। तो आपको याद रखना है कि ऋषि कणाद के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का द्रव्य अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। और ये सारे कण कैसे होते हैं? अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये कैसा होता है? नॉन डिविजिबल होता है। और इस प्रकार के कणों को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। और परमाणु को देखो एटम कहकर पुकारते हैं हम, सही है? एटम कहकर पुकारते हैं। और ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें, एटम का शाब्दिक अर्थ, तो एटम का शाब्दिक अर्थ ही ये होता है अविभाज्य कण, अविभाज्य कण। तो इसी अवधारणा के आधार पर कि परमाणु कैसे होते हैं? अविभाज्य। इसका नाम क्या रखा गया? एटम, जिसे इंग्लिश में एटम कहते हैं, हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो ये सारी अवधारणा कौन बता रहे हैं? ऋषि कणाद बता रहे हैं। लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है, मतलब प्रयोगों पर आधारित नहीं है, केवल कल्पना है, केवल कल्पना है। तो समस्या यहां पर है। अगर वैज्ञानिक प्रूफ होते तो इन्हीं को मानकर चलते हम, लेकिन इसके बाद में अनेकों वैज्ञानिक आए जिन्होंने इन धारणाओं को दिया,
जैसे आप देखेंगे एक यूनान के फिलोसफर हुए, इनके बाद यूनान के एक फिलोसफर हुए डेमोक्रिटस, यूनान के एक फिलोसफर दार्शनिक हुए डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस ने भी बिल्कुल इसी प्रकार की, कणाद ने जो धारणा दी थी उसी प्रकार की धारणा दी कि जितना भी द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो कण अविभाज्य होते हैं और उन कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु। बिल्कुल सेम टू सेम हाइपोथेसिस थी। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए लियोक्रिटस, और ये एक रूसी थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनकी भी हाइपोथेसिस इसी प्रकार की थी कि संपूर्ण द्रव्य क्या होता है आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये जो कण होते हैं वह मुख्य रूप से अविभाज्य होते हैं। और इसके बाद और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन ये सारी धारणा कैसी थी, काल्पनिक। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ से ही हमें ये पता चल गया था कि द्रव्य अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, परंतु ये सारी चीजें या सारी धारणाएं कैसी थी, काल्पनिक। कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ नहीं था इनका। तो ये इसी प्रकार की जानकारी के साथ हम आगे तक चलते हैं, लगभग 17वीं 18वीं सदी तक हमें परमाणु के बारे में इस प्रकार की काल्पनिक धारणाएं ही पता थी। जब हम 19वीं सदी में पहुंचे तो 19वीं सदी के प्रारंभ में, 19वीं सदी के प्रारंभ में एक वैज्ञानिक का आप नाम सुनते हैं डाल्टन, तो डाल्टन ने इसके संबंध में कुछ परिकल्पना प्रस्तुत की। तो देखो इसके बारे में एक दो बातें हमें समझनी है। ये बात कर रहे हैं हम 1803 की, 1803 में डाल्टन ने 1803 में डाल्टन ने एक परिकल्पना दी जो वैज्ञानिक रूप से दी, वैज्ञानिक रूप से, इसका मतलब क्या है कि प्रमाणित थी, प्रूफ करके दिखाया इन्होंने कि वास्तव में ऐसा ही होता है। और इन्होंने भी बिल्कुल इसी प्रकार की अवधारणा दी कि द्रव्य अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण कैसे होते हैं, अविभाज्य होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, परमाणु। तो इस प्रकार की धारणा ही, यानी कि 19वीं सदी के प्रारंभ में हम ये समझ पाए कि परमाणु क्या होता है, परमाणु अविभाज्य होता है। वैज्ञानिक रूप से ये धारणा तब प्राप्त हुई हमें। तो यहां देखो ये जो है आपके वैज्ञानिक डाल्टन, डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, और इसे इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले देखो हम द्रव्य के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, मतलब लगभग लगभग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब इसके एक दो क्वेश्चन की बात कर लें कि जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन मुख्य रूप से किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, एक फंडामेंटल चार्ट बनाकर दिखाता हूं मैं आपको कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया, और जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं वैसे ही आप वीडियो को पॉज करना और आंसर देना और देखना कि सही है या फिर गलत। देखो पहले ये देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, द्रव्य और मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक तो शुद्ध पदार्थ या पदार्थ भी कह रहे थे हम इसे, सब्सटेंस, और दूसरा क्या होता है, मिश्रण। इतनी बात हमने पढ़ी, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपने पहला तत्व पढ़ा और दूसरा यौगिक, सारी बातें कर चुके हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के आपने पढ़े, धातु अधातु और उपधातु, सही है। यौगिक दो प्रकार के पढ़े, एक तो कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक, सही है। यहां तक की चीजें हमने देखी, और मिश्रण भी हमने देखा, देखो दो प्रकार का, होमोजीनियस समांगी और दूसरा विषमांगी, दो प्रकार का हमने ये पढ़ा भाई। और इसमें विषमांगी में मुख्य रूप से कोलाइड बिलियन और समांगी में मुख्य रूप से बिलियन।
तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में देखो दो चार क्वेश्चन करा रहा हूं मैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऑप्शन है तत्व योगिक और मिश्रण और नन ऑफ दीस, सही है, ये चार ऑप्शन है। एक एक करके क्वेश्चन बोल रहा हूं और आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, आंसर दें, फिर आगे की चीजें देखें। जैसे पहला क्वेश्चन है वायु है, वायु है का मतलब है वायु तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे, देखो वायु मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, बहुत सारी गैसें होती हैं और इन सारी गैसों का क्या है ये मिश्रण। तो आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वायु है तो वायु क्या है, एक मिश्रण, पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगला देखते हैं हम कि जैसे आपसे पूछा जाता हीरा, हीरा है तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हीरा वास्तव में एक तत्व होता है और ये किसका तत्व होता है, कार्बन का, क्योंकि छोटे छोटे कार्बन के परमाणु परस्पर एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं, तत्व। तो आप याद रखेंगे हीरा एक तत्व है कार्बन, और कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्धतम रूप, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो आपसे पूछा जाता है सोडा लाइम, सोडा लाइम है तो आप बताएंगे, देखो सोडा लाइम क्या है, वीडियो को पॉज करके। तो सोडा लाइम मुख्य रूप से NaOH कास्टिक सोडा और CaO का मिश्रण होता है, क्या होता है ये मिश्रण होता है। तो आप याद रखेंगे यह वास्तव में क्या है, एक मिश्रण है। जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है, इसे देखेंगे आप ध्यान से। एक होता है एल्कोहल, कर भाई बंद कर दे,